दिल्ली हिंसा में घायल एसीपी अनुज कुमार ने 24 फरवरी को दिल्ली में दहशतगर्दी का हाल बयान किया है। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर उन्मादी भीड़ ने मकानों, दुकानों, गाड़ियों पर हमला बोल दिया। दिल्ली तब जंग का मैदान बनी हुई थी, वहां कानून का राज नहीं था। एसीपी अनुज कुमार ने बताया कि 24 फरवरी की सुबह डीसीपी शाहदरा और उनकी पूरी टीम ने चांदबाग मजार के पास पोजीशन ली हुई थी। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। ये 24 तारीख की घटना है। 23 तारीख को जो वजीराबाद रोड थी वो प्रोटेस्टर्स ने जाम कर दी थी, उसका एक कैरिज वे बंद था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद रोड चालू रहनी चाहिए, लोग अपना जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स हैं वहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। सारा ही स्टाफ, मैं और डीसीपी शाहदरा सर, सब उनसे आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि भाई आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है आप यहाँ सर्विस रोड तक आप अपने आप को कन्फाइन रखिए, मेन रोड पर नहीं आइए। क्राउड धीरे धीरे बल्कअप होना स्टार्ट हुई पीछे तक, और पीक टाइम पे वो अगर मैं ग्राफ एस्टिमेट लगाऊँ तो 25,000 से 30,000 के आसपास वहाँ पर उस वक्त लोग थे। और अगर आप वहाँ की थोड़ा पोजीशन देखेंगे तो हम रोड के आमने सामने होने की बजाय हम रोड के एक और दूसरे कोने पड़ते। वो सारी इतने हम तकरीबन 2 कंपनी 200 के आसपास, मेरे साथ पुलिस पर्सनल थे और सामने 35,000 से 40,000 लोग हार्डली 20-25 मीटर के डिस्टेंस पर थे। और अचानक ही उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। इस अफरा तफरी में फिर मेरा कंसर्न डीसीपी सर को लेकर था, तो वो डिवाइडर के पास, उनको काफ़ी चोटें आई थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था। तो उसी कश्मकश में जो है मेरे ये पत्थर से जो मेरे सिर पे पीछे चोट लगी थी, जब ये हेलमेट ब्रेकआउट हो गया था, तकरीबन 20 मीटर दूरी एक नर्सिंग होम है, मोहन नर्सिंग होम, जहाँ पर मेरा स्टाफ ऑलरेडी रतन को लेकर पहुँच गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनके पास बहुत बेसिक प्राइमरी एड थी, जिसमें सर की कंडीशन और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वहाँ से हम पहले यही था कि मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, तो इसीलिए हम सीधे पहले जीटीबी लेकर चले गए। जीटीबी लेकर गए तो वहाँ रतन को वो लोग रिवाइव नहीं कर पाए। वहाँ से एक प्राइमरी एड के बाद हम फिर से अमित सर को लेकर, डीसीपी शाहदरा सर, उनको लेकर हम फिर मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे। अनुज कुमार ने बताया कि उस वक्त एक अफवाह फैली हुई थी कि पुलिस की गोलियों से बच्चे मर गए हैं, जिससे हिंसा और भड़क गई। एसीपी गोकलपुरी के ऑफिस से जुड़े 42 साल के रतनलाल भी चांदबाग में पथराव के दौरान घायल हुए थे। बाद में पता चला कि उन्हें गोली लगी है और उनकी मौत हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।